शहजादे और शहजादियों के किस्से कहानियाँ हम बचपन में सुन चुके हैं। एक खूबसूरत शहजादी होती थी जिसको उसके एक इशारे पर दुनिया जहाँ की नेमतें और आसाइशें मिल जाती थी। इन्हीं कहानियों में हम ये भी सुन चुके हैं कि वो शाही लिबास पहनती और महंगे जानवरों पर सवारी किया करती थी। आज हम एक ऐसी ही शहजादी के मुतल्लिक बात करेंगे जो न सिर्फ अपने मुल्क दुबई में बल्कि पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती हैं। महंगे घोड़ों की बात हो या लग्जरी गाड़ियों की, पैसे की बात हो या अवामी खिदमत की, यहाँ तक के इनकी शादी के खर्च की बात हो या इनके तलाक की। दुबई के नायब सदर और मुतहदा अरब अमारात के वजीर आजम अश-शेख राशिद बिन अल मक्तूम की 6 शादियाँ हैं जिनसे इनके 26 बच्चे हैं। राशिद बिन अल मक्तूम की सबसे लाडली बेटी हैं जिनका नाम है शेखा मेहरा। इस वक्त इनकी उम्र 30 साल है। मेहरा ने अपनी इब्तदाई तालीम दुबई से हासिल की। इसके बाद वो जायद यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुकी हैं। शेखा मेहरा की टोटल दौलत $2 बिलियन से ज्यादा है। शेखा मेहरा अपने बहन भाइयों से मुकम्मल अलग हैं। ना ही वो नकाब करती हैं और ना ही वो स्कार्फ पहनती हैं। मेहरा की वालदा का ताल्लुक यूरोप से है, इसलिए इनकी बेटी को भी मुकम्मल आजादी है। शेखा मेहरा को घुड़सवारी का बेहद शौक है। उनके शौक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो सालाना $4 मिलियन सिर्फ अपने घोड़ों की रखवाली पर खर्च कर देती हैं। शेखा मेहरा के पास इस वक्त 11 घोड़े हैं। सबसे महंगे घोड़े की कीमत 3 मिलियन यानी 70 करोड़ रुपए के लगभग है। इसके अलावा शहजादी मेहरा को गाड़ियों का बेहद शौक है। इनके गैराज में कई गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों में एक गाड़ी पिंक रोल्स गाड़ी है जिसकी कीमत $5 लाख बताई जाती है। एक फरारी जो $3 लाख की है भी मौजूद है। शेखा मेहरा को स्विमिंग का बहुत शौक है और वो जिस घर में रहती हैं इसको हाउस ऑफ खलीफा कहते हैं। इस घर की दीवारों को सोने और हीरों से बनाया गया है। शेखा मेहरा उस वक्त लोगों की नजरों में ज्यादा आईं जब उनकी शादी उनके कजन से 1 साल कबल हुई जिनसे इनकी एक बेटी भी पैदा हुई। मगर गुज़िश्ता रोज खबर सामने आई कि शेखा मेहरा ने अपने शौहर अश-शेख माने अल मक्तूम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर तलाक दे दी है। शेखा मेहरा ने समाजी राबते के प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में अपने शौहर को मुखातिब करते हुए लिखा कि जब आप दूसरों के साथ मसरूफ हैं तो मैं हमारी तलाक का ऐलान करती हूँ। मैं आपको तलाक देती हूँ। मैं आपको तलाक देती हूँ। अपना ख्याल रखें, आपकी साबका बीवी। शेखा मेहरा ने इस ऐलान के साथ ही इंस्टाग्राम से शौहर के साथ अपनी तमाम तस्वीर डिलीट कर दी हैं। इससे पहले शेखा मेहरा और उनके शौहर ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शहजादी का अकाउंट हैक कर लिया गया हो। ताहम अभी तक इसकी तस्दीक या तर्दीद सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया सार्फीन ने शेखा मेहरा की तलाक की खबरों पर अपने राय का इजहार करते हुए लिखा कि शेखा मेहरा को इस्लाम के असूलों पर अमल करना चाहिए। शेखा अपने शोहर को तलाक नहीं दे सकती। जबकि बाद सारफी ने शेखा मेहरा का साथ देने का ऐलान किया और कहा कि जिसके साथ आप खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करती तो बेहतर है कि आप उससे अलग हो जाएं। खातिनों जरा, सच है, औरत का घर दौलत या जायदाद से नहीं बल्कि किस्मत से चलता है।